नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रुप पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसके भी प्राइस चल रही है 232 और आज के दिन हमें इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों आईटीसी लिमिटेड में बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई है, जिस न्यूज का इम्पैक्ट हमें आईटीसी के स्टॉक में लास्ट 2 डेज से देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जो न्यूज है उस न्यूज की वजह से हमें आईटीसी के स्टॉक में 300 रुपए के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि वो न्यूज है क्या और हमें इस स्टॉक में कहां पर एंट्री लेनी है और क्या कंपलसरी SL मेंटेन करना है, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आईटीसी लिमिटेड में जो न्यूज है उस न्यूज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों आईटीसी में जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस हाउस ने आईटीसी का टारगेट दिया है 300 का, यानी कि यहां से 30% पॉजिटिव और जा सकता है आईटीसी का स्टॉक, ऐसा ब्रोकरेजेस हाउस ने कहा है। दोस्तों आईटीसी के स्टॉक में कंटिन्यू हमें लास्ट 2-3 डेज से एक पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी हमें आईटीसी के स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव अपडेट देखने को मिला था। वो इसलिए मिला था क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर बजट के दिन गवर्नमेंट ने टोबैको के ऊपर कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं किया, तंबाकू गुटके के ऊपर कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं किया। ये न्यूज आईटीसी के लिए अच्छी न्यूज साबित हुई और उस न्यूज का इम्पैक्ट हमें आईटीसी के स्टॉक पे देखने को मिला। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हमें आईटीसी के स्टॉक में कहां पर एंट्री लेनी है। अगर हम 300 रुपए के टारगेट का वेट भी करते हैं तो क्या SL मेंटेन करना है? दोस्तों कंपलसरी आपको 200 रुपए का तो SL मेंटेन करना है, जहां से आईटीसी के स्टॉक ने कई बार सपोर्ट से रिवर्सल दिखाया है। आप देख सकते हैं 1, 2 और इससे पहले यहां से हमें आईटीसी के स्टॉक में 265 के भी टारगेट देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू हमें आईटीसी के स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन फिर से हमें आईटीसी के स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी हमें आईटीसी के स्टॉक में 238 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 239 और 240 की प्राइस पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। आईटीसी के स्टॉक में छोटी छोटी प्राइस पर रेसिस्टेंस है, जैसे कि 245, 240 और ऊपर की तरफ 265। अगर आईटीसी ये सभी रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो दोस्तों हमें आईटीसी के स्टॉक में जरूर 300 के टारगेट देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम काफी अच्छा है, हो सकता है कि इसी वीक के अंदर आईटीसी 240 का रेसिस्टेंस को ब्रेक करके 245 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है वो है 265 का। जिस दिन आईटीसी 265 ब्रेक करके और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद में हमें आईटीसी के स्टॉक में 300 रुपए के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।